चमोली में टूटा ग्लेशियर। धौली गंगा नदी में सैलाब। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट तबाह। जोशी मठ के पास हाहाकार। नदी में तैरता मलबा। नदी का बढ़ा जलस्तर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत ने तांडव मचाया है, ऐसा तांडव जिसकी तस्वीरें दिलों में खौफ भर देने वाली हैं। आपदा की यह तस्वीर भयानक है, आपको हम दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड आपदा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुरंग में फंसे सभी 16 लोगों को बाहर निकाला गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जानकारी ये कि एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के टनल में फंसे 16 लोगों को निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की सबकी नजर है। प्रधानमंत्री ने हल्दिया वाली रैली में कहा है कि गृह मंत्रालय से लेकर मुख्यमंत्री सबसे वो संपर्क में है, राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है और अपने हौसले से उत्तराखंड इस त्रासदी को हराएगा। आइए लिए चलते हैं आपको मंजीत नेगी, हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कैसे ऑपरेशंस करके लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। आईटीबीपी की टीमें लगातार वहां पर काम कर रही हैं। सभी 16 लोगों को सुरंग से निकाल लिया गया है और ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आज तक एक्सक्लूसिव वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। कैसे वहां पर राहत कार्य करते हुए लाइव एक्शन में आपको देश के जवान दिख रहे हैं जो रस्सियों के सहारे नीचे उतर रहे हैं, भारी मलबे के बीच से कैसे रास्ता बनाया जाए, कैसे लोगों को निकाला जाए, ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। मंजीत, सभी 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अंजना, पिछले 5 घंटे से आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवान और एसडीआरएफ की कई टीमें वहां पर थी जो कि देहरादून से पहुंची थी, और अब करीब 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद एक टनल को खोलकर 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये राहत की बात है कि पहली एक जो टनल खुली है उससे सभी लोग सुरक्षित हैं, 16 लोगों की जानकारी मिली है। हालांकि अभी एक और टनल है जिस पर जिसको खोलने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन पिछले 5 घंटे की मशक्कत के बाद ये एक टनल को खोला गया है जिसमें से करीब 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और शुरुआत में जब ये हम बादल फटने के बाद जो घटना हुई थी उसके बाद करीब 150 के आसपास इस पूरे इलाके में जो लोग थे वो बह गए थे, उसमें से ये 16 लोग अब बचाए गए हैं टनल को खोलकर। क्या एक और टनल में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है मंजीत? अंजना, क्योंकि ये बड़ा पावर प्रोजेक्ट है और इसके साथ और भी अंदर कई सुरंगें हैं जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कुछ और टनल हैं जहां पर लोगों के फंसे होने की आशंका है, लोग फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने की कोशिश इस वक्त चल रही है। और करीब 200 से ज्यादा आईटीबीपी के जवान हैं, एसडीआरएफ के भी करीब 50 जवान और मौजूद हैं, दिल्ली से भी कुछ और टीमें वहां पर पहुंच रही हैं। तो अभी वहां पर जो, और सबसे खास बात की ऑफिस के अलावा जो रेजिडेंस का इलाका था एनटीपीसी का, वो तमाम पूरा इलाका वहां से पूरी तरह से बह गया है। अभी जो लोग वहां पर, जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, काफी बड़ी संख्या में इस मलबे का शिकार हुए हैं। तो इस लिहाज से वहां पर ये भी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पा रही है कि और कितने टनल अंदर लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं जिनको निकालने की इस वक्त कोशिशें चल रही है। धन्यवाद आपका मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी मंजीत बता रहे थे, आपको हमने दिखाई है तस्वीरें तबाही की, ये 10 तस्वीरें जो पूरी कहानी बयां कर रही हैं कैसे चमोली में हिमस्खलन हुआ, एक ग्लेशियर टूटकर बहने की वजह से धौली गंगा नदी में सैलाब आया, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में पूरी तरह से तबाही, सैलाब में अलग अलग जगहों पर किस तरह का नुकसान हुआ है, कई गांवों में पानी घुसा है। मौके पर सीएम रावत भी पहुंचे। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी 16 लोग बचा लिए गए, पानी का तेज बहाव है, राहत में रेस्क्यू टीमें इस वक्त भी लगी हुई है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए आपको सुनाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हल्दिया में भाषण दे रहे थे, वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, इससे पहले वो असम भी गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के हल्दिया में उन्होंने जब हुंकार भरी चुनावी भी, तो उनकी नजर
उत्तराखंड पर भी थी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रावत से, गृह मंत्रालय से लगातार संपर्क में हूं, राहत कार्य चल रहा है और अपने हौसले से उत्तराखंड इस त्रासदी को चित करेगा। आज हम मां गंगा के एक छोर पर है, लेकिन जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सब से निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां दो एक दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी, मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। आमार प्रियो मां बोन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हल्दिया में उत्तराखंड की बात करते हुए, उत्तराखंड के जो चमोली में ये कुदरत ने तांडव मचाया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए, फिर चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको वहां की तस्वीरों के जरिए ये समझाएंगे कि किन परिस्थितियों में ये घटना घटी और इतनी बड़ी आपदा की घड़ी उत्तराखंड के लिए बनी। पानी की धार में चकनाचूर होकर बही जा रही है चट्टानें। बहे जा रहे हैं पुल। बह रहा है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। बह रहे हैं मकान। बह गए इंसान। बहती जा रही हैं खुशियों की गठरियां। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत ने बर्बादी वाली गिरहें एक बार फिर खोल दी हैं। बर्बादी बनकर टूटा है ग्लेशियर। चमोली का जोशीमठ हमेशा की तरह सर्द था। लोग बेखबर थे कुदरत के इस क्रूर तांडव से। जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर रेड़ी गांव के पास ग्लेशियर टूटा, और ऐसा टूटा कि तोड़ता गया बैराज, तोड़ता गया चट्टाने, तोड़ता गया पावर प्रोजेक्ट, तोड़ता गया घर, तोड़ता गया आस, तोड़ता गया सांस। ग्लेशियर टूटा तो पारावार बहा, और पारावार के विस्तार ने
धौली नदी को आपे से बाहर कर दिया। धौली नदी का पानी आपे से बाहर होकर बंटाधार करने के इरादे से बहा। देखिए, चमोली के मलारी को जोड़ने वाला पुल भी सैलाब में बह गया। एक तरफ हरहराते हुए पानी हाहाकार मचाते हुए आगे बढ़ रहा था, दूसरी ओर लोग भाग रहे थे धार में बह जाने से खुद को बचाने के लिए। जहां बस्तियां थी वो मलबे हो गए, जहां घर थे वो नदियां हो गए। महादेव के मोहल्ले में कुदरत ने तांडव किया है। ये तांडव याद दिलाता है 2013 की, ये तांडव सिहराता है बिल्कुल वैसे जैसे 2013 में तबाही मची थी। इस बार भी आपदा में फंसे हैं लोग, सबकी एक ही पुकार कि हे भगवान बचा लो जान। चमोली से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।